धरा और ऋषभ ने जैसे ही उस आवाज की तरफ देखा तो वहां पर धरा की दादी ऋषभ की मम्मी के साथ खड़ी थी और उन दोनों को देखकर धरा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और ऋषभ ने जल्दी से आगे बढ़कर दादी का हाथ पकड़ा और वो दोनों धरा के पास आकर बैठ गई। धरा की दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसी है मेरी बच्ची अब? धरा ने मुस्कुराते हुए दादी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी, और मैं तो ऋषभ से बोल रही थी कि मुझे अब और यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रुकना, लेकिन पता नहीं ऋषभ ने किस डॉक्टर से बात की है, उन्होंने बोला है कि अब वो कल ही मेरी छुट्टी करेंगे। ऋषभ की मम्मी ने धरा की बात सुनकर कहा, ठीक तो कहा है डॉक्टर ने, वैसे भी तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, इसलिए आज और यहाँ पर रुकना और फिर कल ऋषभ के साथ घर आ जाना। ऋषभ की मम्मी की बात सुनकर धरा ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, हाँ आंटी वो तो ठीक है, लेकिन आपने अभी अंदर आते हुए ये क्यों बोला कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी? इस बात को लेकर ऋषभ भी थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन ऋषभ को मालूम था अगर उसकी मॉम ने ऐसा बोला है तो सही बात ही होगी। तभी ऋषभ ने कुछ नहीं बोला और वो अपनी मम्मी का जवाब सुनने के लिए उनकी तरफ देखने लगा। ऋषभ की मम्मी धरा के पास आई और उन्होंने धरा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम बीमार हो और दादी कहाँ तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगी, इसलिए कल जब तुम्हारी छुट्टी होगी तो तुम ऋषभ के साथ अपने घर नहीं बल्कि मेरे घर आओगी, और जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तुम वहीं रहोगी। ऋषभ ने जैसे ही अपनी मम्मी की ये बात सुनी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि ऋषभ तो यही चाहता था कि वो धरा को छोड़कर ना जाए, और जब उसकी मम्मी ने ये बात बोल दी है तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। धरा ने ऋषभ की मम्मी की बात सुनकर ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आंटी मैं आपके घर कैसे रह सकती हूँ, बेकार में मेरी वजह से आपको भी परेशान होना पड़ेगा, और वैसे भी ऋषभ कब से तो यहाँ हॉस्पिटल में मेरे साथ है, अब मैं आपके घर जाकर आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती, दादी बोलिए ना आप भी। धरा की दादी ने धरा की बात सुनकर कहा, मैंने तो पहले मना किया था बेटा, लेकिन ऋषभ की मम्मी ने मुझे जब अकेले घर में नहीं रहने दिया तो वो तुम्हें कहाँ से रहने देंगी, और एक तरह से देखा जाए तो धरा बिटिया ऋषभ की मम्मी बिल्कुल ठीक ही तो कह रही हैं, क्योंकि मैं तो पहले ही बूढ़ी हूँ और मैं तेरी देखभाल कहाँ कर पाऊंगी। धरा ने दादी की बात सुनकर ना में सिर हिलाते हुए कहा, दादी मुझे देखभाल की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी आंटी की भी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, और मैं, धरा बोल ही रही थी कि तभी ऋषभ ने धरा के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, चुप करो अब तुम, जब बड़े लोग बोल रहे हैं तो उनकी बात मान लो ना, वैसे भी दादी और मम्मी बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। धरा के मुंह पर ऋषभ के उंगली रखने पर धरा की दादी और ऋषभ की मम्मी हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उन दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी मुस्कुराहट को छिपा लिया, और तभी धरा ने जल्दी से ऋषभ का हाथ अपने मुंह पर से हटाते हुए उसे आंखें दिखाई, मानो वो ऋषभ को डांट रही हो कि उसने अपनी मम्मी और दादी के सामने ऐसा क्यों किया। ऋषभ की बात सुनते ही उसकी मम्मी ने टिफिन ऋषभ के हाथ में देते हुए कहा, मैं तो तुम दोनों के लिए खाना बनाकर लाई थी, मैं जानती हूँ यहाँ हॉस्पिटल का खाना खाकर बोर हो गए होगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम दोनों से भी मिल लूं और तुम दोनों के लिए खाना भी ले आऊं। ये लो तुम लोग अब ये खाना खा लेना, और वैसे भी शाम होने वाली है इसलिए हम दोनों अब चलते हैं। धरा ने ऋषभ की मम्मी की बात सुनकर कहा, लेकिन आंटी अभी आप लोगों को आए हुए थोड़ी देर तो हुई है, थोड़ी देर और रुक जाइए ना। धरा की दादी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बस तुझसे मिलना था मिल लिया, अब तू आराम कर, और वैसे भी मुझे यहाँ हॉस्पिटल में रुकना ज्यादा ठीक नहीं लगता, तू तो जानती है ना मुझे यहाँ की महक से कितना चक्कर आता है। धरा ने अपनी दादी की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों चुपचाप वहां से चली गई। मीनाक्षी ने मिहिर की बात सुनकर कहा, मेरी शर्त यह है कि मैं तुम्हारे बिजनेस के बारे में काफी कुछ सुन रही हूं, तुम्हारा एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस और स्टोन बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, और तुम्हारी ब्लैक माउंटेन उसके तो क्या ही कहने। इतना बोलकर मीनाक्षी चुप हो गई और मिहिर काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगा। वो बोला, मीनाक्षी दी आप इस तरह से सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हैं, जल्दी बोलिए ना। मिहिर की बात सुनकर मीनाक्षी ने कहा, मैं तो बस तुम्हारी एम्ब्रॉयडरी और स्टोन के बिजनेस को रिप्रेजेंट करना चाहती हूं, क्या तुम तैयार हो? इतना बोलकर मीनाक्षी मुस्कुराने लगी और मिहिर ने बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहा, मीनाक्षी दी ये भी भला कोई शर्त हुई क्या, ये तो एक तरह से देखा जाए कि आप मेरे बिजनेस में मेरी और हेल्प ही कर रही हैं, बेशक मैं आपकी ये बात मानने के लिए तैयार हूं। मिहिर भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर मीनाक्षी अपनी कंपनी का नाम लेकर उसके प्रोजेक्ट्स, उसके सारे बिजनेस और प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करेगी तो उसे हर तरफ से फायदा ही होगा, और मिहिर कहीं ना कहीं ये बात भी जानता था कि मीनाक्षी जानबूझकर उसकी मदद भी कर रही है और उसकी बिजनेस पार्टनर भी बनना चाहती है, क्योंकि मिहिर ने जब उसके डैड सुधांकर दयाल जी की जान बचाई थी तो उसका एहसान अभी भी मीनाक्षी कहीं ना कहीं अपने ऊपर मानती थी, और उसी एहसान की वजह से वो ये करने के लिए मिहिर को मना रही है।
आलिया मीनाक्षी और मिहिर की बातें सुनकर वहीं बैठी मुस्कुरा रही थी और मिहिर ने पूछा, मीनाक्षी दी, क्या सच में आपको मेरे बिजनेस पर इतना भरोसा है कि आप उन्हें रिप्रेजेंट करना चाहती हैं? मीनाक्षी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने तुम्हारी ब्लैक माउंटेन टी पी कर देखी है और तुम्हारी एम्ब्रॉयडरी के बारे में भी बहुत कुछ सुना है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं सच में तुम्हारे इन बिजनेस को लेकर अपनी कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। मीनाक्षी और मिहिर दोनों ही ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि मीनाक्षी के ऐसा करने से दोनों को ही फायदा होगा, इसलिए मिहिर भी तुरंत उसकी बात मान गया। मिहिर ने खुश होते हुए कहा, तो ठीक है मीनाक्षी दी, अगर आप सच में इसे रिप्रेजेंट करना चाहती हैं तो फिर आप मेरी जनरल मैनेजर काव्या से इस बारे में बात कर सकती हैं। वो मेरी सबसे भरोसेमंद मैनेजर है, एम्ब्रॉयडरी और स्टोन शॉप को वही देखती है। मीनाक्षी ने कहा, ठीक है, अभी तो वैसे भी मैं अब यहाँ पे आई हूँ तो काव्या से भी मिल ही लूंगी, कुछ दिनों बाद तो वैसे भी बिजी हो जाऊंगी। आलिया ने पूछा, वैसे मीनाक्षी दी, आपके सिटी में आने का रीजन क्या था? मीनाक्षी ने तुरंत अपने हाथ में रखा कॉफी का कप टेबल पर रखा और कहा, अरे हाँ देखो, मैं ये बात तो तुम्हें बताना भूल ही गई, मेरे एक फ्रेंड हैं जो यहाँ मुंबई सिटी के 5-स्टार होटल में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आई थी। तो बताओ मिहिर, क्या तुम्हें इसमें कुछ इंटरेस्ट है? मीनाक्षी को इस तरह बात बदलते देखकर मिहिर ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अरे नहीं मीनाक्षी दी, मैं तो अपने कामों में पहले ही बिजी रहता हूँ, मुझे ये होटल समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, आलिया मूनलाइट होटल की सीईओ है, आप आलिया से इस बारे में बात कर सकती हैं। आलिया काफी दिन से होटल की सारी जिम्मेदारी को काफी अच्छी तरह से संभाल रही थी, इसीलिए मिहिर ने इस बारे में खुद कुछ नहीं बोला और मीनाक्षी को आलिया से बात करने के लिए कहा। आलिया ने कहा, मीनाक्षी दी, मैंने भी पूरी तरह से पता किया है कि यहाँ एक नया होटल है और वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें काफी सारे लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। आलिया की बात सुनते ही मीनाक्षी ने तुरंत कहा, मुझे इस बारे में पता है और इससे पहले उस होटल को लेकर काफी सारी बातें भी हुई हैं, और इससे पहले कुछ कपड़ों के बिजनेस को लेकर भी काफी खबरें थी जिसमें इन्वेस्ट करने वाली कंपनी सहाय ग्रुप की थी। मिहिर ने जैसे ही सहाय ग्रुप का नाम सुना, मिहिर की आंखों के सामने तुरंत तन्मय का चेहरा आया और मिहिर ने मीनाक्षी की बात सुनकर कहा, क्या क्या कहा मीनाक्षी दी आपने, सहाय ग्रुप? इतना देखकर मीनाक्षी तुरंत समझ गई कि मिहिर को अब उसकी बात में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। मीनाक्षी ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ लेकिन ये बहुत पहले की बात है, अभी इस टाइम मेरा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें सहाय ग्रुप मेरे साथ काम कर रहा हो, लेकिन हाँ, मैंने अभी सहाय ग्रुप के बारे में सुना है कि तन्मय सहाय काफी बुरे टाइम से गुजर रहा है। मिहिर और आलिया दोनों मीनाक्षी की बात सुन रहे थे, तभी मीनाक्षी ने कहा, तो चलो मिहिर, देखते हैं ये अपॉर्चुनिटी हमारे किस काम आती है, शायद इस वजह से तुम्हारा कोई काम बन जाए। मीनाक्षी काफी दिनों से बिजनेस कर रही थी तो उसे बिजनेस वर्ल्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था और उसे पता था कि किस जगह पर किस तरह से काम करके वो प्रॉफिट कमा सकती है और कैसे लोगों से बदला भी ले सकती है। और जब उसने अब मिहिर और आलिया के लिए तन्मय और साहिल से बदला लेने के लिए अपना मन बना ही लिया है तो अब वो पीछे हटने वाली नहीं है, और मिहिर मीनाक्षी की बातों से ये पूरी तरह से समझ गया था। आलिया को भी उनकी सारी बातें समझ में आ गई थी, तभी मीनाक्षी ने मिहिर की तरफ देखकर कहा, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं अपने एक दोस्त से बात करना चाहूंगी। इतना बोलकर मीनाक्षी ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और किसी का नंबर डायल करने लगी। मीनाक्षी को ऐसा करते देखकर आलिया मिहिर की तरफ एक टक देखती जा रही थी। तभी आलिया ने मीनाक्षी को इस तरह फोन में नंबर डायल करते देखकर कहा, मीनाक्षी दी, आप किसे कॉल कर रही हैं? मीनाक्षी ने आलिया की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं अपने दोस्त के पास कॉल कर रही हूँ, एक्चुअली मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानती हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं उनसे ही बात करना चाहती हूँ। इतना बोलकर मीनाक्षी ने फोन स्पीकर पर डाला और तब उधर से किसी ने कॉल रिसीव की और मीनाक्षी ने कहा, हेलो चौहान भाई, कैसे हैं आप? किसी काम में बिजी तो नहीं है ना? क्योंकि मेरे पास इस टाइम बिजनेस को लेकर कुछ मैटर है जिस पर मुझे आपसे बात करनी है, तो बताइए हम कब बात कर सकते हैं? दूसरी तरफ से मीनाक्षी की बात सुनते ही उस आदमी ने कहा, मीनाक्षी मुझे नहीं लगता मैं अभी तुमसे किसी भी बिजनेस के बारे में बात कर पाऊंगा, क्योंकि इस टाइम मैं सिटी में नहीं हूँ, अपनी पत्नी और बेटे के साथ मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। मीनाक्षी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई और बोली, चौहान भाई क्या सच में आप मुंबई आ रहे हैं? वाह, ये तो बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है, क्योंकि मैं भी आज ही मुंबई सिटी आई हूँ, तो फिर मैं आपसे मुंबई में ही मिलती हूँ और यहीं मिलकर हम अपनी बिजनेस मीटिंग भी कर लेंगे। दूसरी तरफ से काफी दबी हुई आवाज में मिस्टर चौहान ने हिचकिचाते हुए कहा, मीनाक्षी वो दरअसल क्या है ना, इस बार मैं मुंबई सिटी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे की वजह से आ रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी बिजनेस मीटिंग करने के मूड में हूँ। क्या मीनाक्षी मिस्टर चौहान को मिहिर और अपने साथ मीटिंग करने के लिए मना पाएगी? और आखिर क्यों मिस्टर चौहान मीटिंग करने के लिए मना कर रहे हैं और उनका मुंबई आने का क्या रीजन है? जानने के लिए सुनते रहिए
रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।